हेलो दोस्तों, हमारे चैनल VS ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में BEd या DLED का कोर्स कर लिए हैं, अगर आपको MEd का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं MEd के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। बात करें यहाँ पर विभागीय और सीधी भर्ती दोनों के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है BEd का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर विभागीय के लिए BEd का कोर्स भी ओपन हो गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कितना फीस लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं MEd द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, अगर आप विभागीय तरीके से या खुली भर्ती की ओर से अगर MEd का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म है उसे सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म की डेट की बात करें तो देख सकते हैं 1 अगस्त से आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इसमें आप 7 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भर लेने के बाद आप जो भी प्रिंट आउट निकलेगी और सारे डॉक्यूमेंट को आपको जहां भी आप जिस महाविद्यालय में फॉर्म सबमिट किए हैं 14 अगस्त तक वहां पर आपको सबमिट करना होगा, या दोस्तों आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर संस्था के बारे में देखें तो यहाँ पर केवल जो है दो ही संस्था है, एक तो यहाँ पर बिलासपुर में है, दूसरे यहाँ पर रायपुर में है। और टोटल सीटों की बात करें तो देख सकते हैं दोनों में यहाँ पर 50-50 मिला के टोटल 100 सीट हैं और इन 100 सीटों पर यहाँ पर जो है ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर विभागीय MEd की तो देख सकते हैं केवल यहाँ पर 20 सीट है। दोस्तों, अगर आप सीधी भर्ती से यहाँ पर MEd का कोर्स करना चाहते हैं तो दोनों कॉलेज में यहाँ पर 40-40 यानी कि दोनों को मिलाकर यहाँ पर 80 सीट है। इन सभी सीटों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BEd या DLED का कोर्स कर लिया है, अगर दोस्तों आपका जो परसेंट है 50 से ऊपर है, वहीं SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5% का छूट भी दिया है, तो आप यहाँ पर जो है MEd के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। वहीं अगर दोस्तों आप किसी भी शिक्षा विभाग में जो है जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है MEd के लिए ऑनलाइन फॉर्म यहाँ भी आप भर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का आपका सिलेबस है। यहाँ पर देखेंगे तो मानसिक योग्यता से 20 नंबर के क्वेश्चन, जो जनरल नॉलेज से 10 नंबर के क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि से 10 नंबर के क्वेश्चन, भाषा बोध हिंदी और अंग्रेजी से 30 नंबर के क्वेश्चन और मनोविज्ञान तथा शिक्षण शास्त्र से मिलाकर यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर बात करें तो 100 नंबर के आपके पेपर होने वाले हैं और जितने भी यहाँ पर जो है रैंक आएगी तो मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन है वह लिया जाएगा। MEd में ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च बार पर आकर आपको SCERT CG लिख के सर्च कर देना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं SCERT CG की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे सामने वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे तो डिपार्टमेंटल BEd या MEd 2024-26 लिखा हुआ आ रहा है। अगर दोस्तों आप डिपार्टमेंटल के तौर पे अगर BEd का कोर्स करना चाहते हैं, देख सकते हैं BEd विभागीय 2024-26 में प्रवेशित विज्ञापन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप MEd का कोर्स करना चाहते हैं, देख सकते हैं MEd विभागीय और सीधी भर्ती लिखा हुआ आता है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं तीनों में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के यहाँ पर जो है लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप डिपार्टमेंटल BEd करना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप डिपार्टमेंटल MEd करना चाहते हैं तो सेकेंड नंबर पर क्लिक करेंगे। वहीं दोस्तों आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर आप जॉब नहीं करते, अगर आप MEd का कोर्स करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर MEd प्री सर्विस यानी डायरेक्ट एंट्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, ये सारे डायरेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जनरल SC/ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के ईयर, मंथ और डे को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पूछा जा रहा है क्या दोस्तों BEd या जो है अगर DLED में अगर कोर्स किए हुए हैं तो उसका आपका परसेंटेज कितना बना था, तो यहाँ पर आपको एग्रीगेट परसेंटेज डाल देना होगा। अगर दोस्तों आपने BEd का कोर्स किया होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, DLED किया होगा तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। वहीं अगर आप DLED का कोर्स किए होंगे तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अगर आपने केवल BEd किया है तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा, यानी कि जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वहाँ पर आपको हाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेकबॉक्स पर आपको इस प्रकार से टिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना होगा। आप कंफर्म करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका फॉर्म है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आवेदक का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिख देना है। नीचे पिता का नाम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम डालेंगे। नीचे माता का नाम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम डाल दीजिए।
इसके बाद नीचे देखेंगे तो ईमेल आईडी यहाँ पर मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। नीचे यहाँ पर व्हाट्सअप का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ही नंबर यहाँ पर आप दोबारा दे सकते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाती है। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यानी जन्मतिथि है उसे आपको शब्दों में लिखना होगा। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ का डेट है उसे इस प्रकार से आप जो है इंग्लिश के शब्दों में लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो संवर्ग पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं महिला, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक या जो भी आपकी जो स्पेशल कैटेगरी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज कोई भी कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पर आपको लॉग इन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करके मेल फीमेल जो भी है यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है, तो अगर आपका विवाह हो गया होगा तो विवाहित पर क्लिक करेंगे, अविवाहित है तो यहाँ पर आपको अविवाहित पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस के रूप में यहाँ पर जो है हाउस नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर पूरा अपना जो है पता यानी एड्रेस को फिल कर दीजिए। इसमें दोस्तों आप जिला, विकासखंड, तहसील सारे डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पिन कोड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि यदि आपका स्थायी पता एवं वर्तमान पता जो है समान नहीं है तो कृपया अपने यहाँ पर स्थायी पता लिखना होगा। अगर दोस्तों आपका स्थायी पता अलग है तो यहाँ पर आप अपना स्थायी पता डाल दीजिए। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। इस प्रकार से जो एड्रेस यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप मांगा जा रहा है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ से आपको अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना होगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। जो पासवर्ड के यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं, 6 से 15 लेटर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और 123 यानी जो है नंबर का आपको यूज़ करके मिक्स पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। पासवर्ड डाल लेने के बाद दोबारा यहाँ पर पासवर्ड को आपको कन्फर्म कर लेना होगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो सिक्योरिटी प्रश्न लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिया गया है उसमें से आपको किसी भी एक प्रश्न को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब जो भी आपने प्रश्न सिलेक्ट किया हुआ है उस प्रश्न का यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आंसर लिख देने हैं। अब नीचे आपको कैप्चर कोड फिल करना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर शो हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से हमारा सेकेंड स्टेप है आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले वर्तमान जिला निवासी पूछा जा रहा है, तो अभी आप कौन से जिले में रहते हैं उस जिले को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान जो निवासी जिले का विकासखंड मांगा जा रहा है, तो यहाँ से आपको अपना विकासखंड सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप शहरी एरिया में रहते हैं या ग्रामीण एरिया में रहते हैं वह पूछा जा रहा है। अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं तो अर्बन पर क्लिक करेंगे, ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो रूरल पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको कौन से संस्था में एमएड करना है उस संस्था को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं शासकीय शिक्षा जो है महाविद्यालय रायपुर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वहीं शासकीय उन्नत शिक्षा जो है बिलासपुर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों दोनों की सीटें समान हैं तो आप अपने संभाग के अनुसार यहाँ पर आपको अपना जो है कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से सेकेंड स्टेप है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है उसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं या जो है बीएड या डीएड जो भी कोर्स किए हुए हैं सभी का यहाँ पर आपको डिटेल है उसे फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर एसएससी यानी क्लास 10th का डिटेल सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा, कौन से बोर्ड से आपने 10th किया हुआ है, छत्तीसगढ़ बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखेंगे तो कौन से सब्जेक्ट से था उसको आपको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितना नंबर मिला हुआ है यहाँ पर डालेंगे, टोटल मार्क्स यानी कितने नंबर का यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स था उसको डालेंगे। यहाँ पर कौन से ईयर में आपने 10th किया हुआ है उस ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। और नीचे देखेंगे तो सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल है एड होके आ जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बारी बारी क्लास 12th, ग्रेजुएशन और बीएड या डीएड जो भी आप कोर्स किए हुए हैं सभी का यहाँ पर आपको डिटेल बारी बारी इस प्रकार से डाल दीजिए। पूरा डिटेल डाल लेने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के जिस फाइल में फोटो है उस फाइल में जाकर फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ्स है यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो प्रीव्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपने फॉर्म भरे हैं उसका यहाँ पर पूरा प्रीव्यू है आ जाएगा।
जो भी यहाँ पर डिटेल डाले हैं एक बार सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलती होती है तो आप मॉडिफाई के ऑप्शन पर जो क्लिक करके उस गलती को सुधार भी कर पाएंगे। अगर दोस्तों सारा डिटेल सही है तो यहाँ पर देखेंगे तो कन्फर्म सबमिट एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करने के लिए ऊपर देखेंगे तो प्रिंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, सेव एस PDF पर क्लिक करके इसे आप अपने मोबाइल पर सेव कर लेंगे और किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाकर इसे आपको प्रिंट करा लेना होगा। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भर लेने के बाद आपको ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट को जिस संस्था को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस संस्था में जाकर आपको जो है जमा कराना है। अब यहाँ पर जमा कराने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। सबसे पहले कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, ग्रेजुएशन। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने जो है PG कर रखा है तो PG के भी यहाँ पर सर्टिफिकेट ले जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो है जाति निवास, इसके साथ ही अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग के सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा के आपको अटेस्टेड करके वहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा कराना होगा। जमा कराने की डेट की बात करें तो 14 अगस्त तक जाकर आपको जमा करा लेना होगा। सो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप MED के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे।